जब से शिक्षा विभाग की कमान अपर मुख्य सचिव के पाठक ने संभाला है तब से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उनका भी खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि सीतामढ़ी जिले के बोकरा प्रखंड के नया टोल गांव स्थित रघुनी गोप सुंदरवती उच्च विद्यालय नया टोल में बार बालाओं ने भोजपुरी अश्लील गानों पर रात भर जमकर ठुमका लगाया। शिक्षा विभाग भी बेखबर है और पुलिस प्रशासन भी बेखबर है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग को ठेंगा दिखा रहे हैं। यहाँ के लोग पूरी काली करतूत किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विद्यालय में इस तरह का आयोजन कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर रहा है। के फाटक का फरमान आया हुआ है कि स्कूल के अंदर बच्चों की छुट्टी होगी और शिक्षक स्कूल में मौजूद होंगे, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक को इसकी जानकारी तो ज़रूर होगी। शिक्षक या प्रधानाध्यापक स्कूल से लापता होंगे तभी इसकी जानकारी नहीं होगी। अगर लापता नहीं थे तो इतना बड़ा आयोजन कैसे हो गया, और प्रधानाध्यापक ने ग्रामीणों को मना क्यों नहीं किया, यह भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूरी रात अश्लील गानों पर बार बार आओ में ठुमका लगाया, तो इसकी सूचना शिक्षा विभाग या पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दिया गया? ऐसा तो नहीं हेडमास्टर भी शामिल थे? यह भी सवाल खड़ा होता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिनके ऊपर आधा दर्जन मुकदमा दर्ज है और कई संगीन मामलों में अभियुक्त भी हैं, कोर्ट से वारंट भी जारी है, वह भी शख्स बार बालाओं के साथ ठुमका लगाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया लक्ष्मी यादव का पुत्र राजीव यादव बार बालाओं के साथ तस्वीर में खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं, जिस पर नानपुर थाने में आधा दर्जन प्राथमिकी दर्ज है। जब ऐसे लोग विद्यालय में अपना जमघट बनाएंगे तो विद्यालय के बच्चों का भविष्य क्या होगा? अब देखने वाली बात है कि स्कूल के हेडमास्टर और कार्यक्रम का आयोजन करता और पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है।